राष्ट्रीय महामंत्री और छत्तीसगढ़ प्रभारी ओम माथुर आज दुर्ग जिला पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्म जोशी के साथ उनका पटेल चौक में स्वागत किया। आपको बता दें कि ओम माथुर के द्वारा आज विधानसभा स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया है। इसके साथ ही संभागीय बैठक को भी ओम माथुर के द्वारा संबोधित किया जाएगा। बैठक के माध्यम से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी और कार्यकर्ताओं में जोश भरने का कार्य किया जाएगा। मीडिया को जानकारी देते हुए भारतीय जनता पार्टी के दिनेश देवांगन ने बताया कि आगामी दिनों में प्रदेश में भाजपा का परचम लहराएगा। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर ओम माथुर दुर्ग जिले पहुँचे हैं और कार्यकर्ताओं में जोश भरने का कार्य बैठक के माध्यम से किया जाएगा। प्रदेश जो प्रभारी हैं श्री ओम माथुर जी, जिन्हें बहुत ज़्यादा संगठनात्मक नॉलेज है और अनुभव है, लगभग 50 सालों का 52 सालों का अनुभव है, वो बूथ बूथ स्तर की बैठक लेने, बूथ जिला स्तर की बैठक लेने, संभाग स्तर की बैठक लेने आ जाएं। इतने बड़े संगठनात्मक जो पदाधिकारी हैं वो इतने निचले स्तर पर बैठक लेते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। और इसी संगठनात्मक ढांचे से और इसी संगठनात्मक जो कार्य से आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। आज श्री ओम माथुर जी का जगह जगह स्वागत हुआ, जो कि सभी मंडलों ने किया, सभी प्रकोष्ठों ने किया, सभी मोर्चों ने किया और बहुत भव्य स्वागत हुआ। और इससे एक जो दुर्ग जिले की और दुर्ग सभी विधानसभा की और ग्रामीण विधानसभा की ये दिखता है कि आज कितना कार्यकर्ता कितना उत्साहित है अपने नेता को यहाँ पर पाके और उनको सुनने के लिए, कितना उत्साहित है, कितना ललायत है। और हम कुछ ना कुछ उनसे सीख के जा रहे हैं आज यहाँ से, और बहुत ही अच्छे जो पथ प्रदर्शक हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, और बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ समझने को मिला, आगे कैसे कार्य करना है वो समझने को मिला। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट।